समाजवादी पार्टी व महादल का राष्ट्रीय स्तर गठबंधन होने के बाद आयोजित अधिकार रैली में सपा जिलाध्यक्ष नदीम अहमद फारूखी व महान दल राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य में जुबानी तकरार हो गई। बाद में पूर्व मंत्री ने मामले को साधने का प्रयास किया, लेकिन महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच में ही अल्प भाषण देकर चले गए। शहर के कादरी गेट से पांचाल घाट मार्ग पर स्थित एक गेस्ट हाउस में सपा व महान दल की संयुक्त बैठक पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें शामिल होने से पूर्व महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने सपा नेता सचिन सिंह यादव के साथ नवाबगंज से कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य मंच पर आ गए। सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर सामने बैठे कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया और कार्यक्रम विधिवत चालू हो गया। उसी दौरान पता चला पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत को मंच पर चढ़ने से महान दल के किसी एक पदाधिकारी ने रोक दिया, जिस पर सचिन यादव व महान दल के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार यादव ने उन्हें समझाकर वापस पूर्व विधायक उर्मिला राजपूत आदि को मंच पर बिठा दिया। इसके बाद सपा अध्यक्ष नदीम अहमद फारूखी का मंच से भाषण देने का अवसर आया तो उन्होंने महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे खड़े दो कार्यकर्ताओं को मंच से उतर जाने को कह दिया, जिस पर महान दल सुप्रीमो विफल हो गए। उन्होंने कहा उनके कार्यकर्ता नीचे नहीं जाएंगे, जिस पर सपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि वो ही मंच से नीचे चले जाते। नदीम अहमद ने कहा सपा के जिला अध्यक्ष हैं तो केशव देव बोले वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लिहाजा उनकी पार्टी के पदाधिकारी को आप आदेश देने वाले या अपमान करने वाले होते कौन हैं? आप अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ रहे हैं, बोलो आप अपने कार्यकर्ता के साथ के लिए लड़ रहे हैं। रैली पूरी नहीं हो पाई, इसका कुछ मलाल है, वो टकराव आया है, फेविक्विक की जरूरत है कुछ। आप कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए, 95% 98% महान दल के लोग थे। नहीं, दिख रहा ना, टोपियां दिख रही हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए, महान दल की रैली मैंने जो हम पूछेंगे वो लिखना पड़ेगा वो, आपके कहने से मैंने। हाँ बताइए बताइए। ये महान दल की रैली थी, महान दल के तत्वावधान में महान दल की रैली थी, और महान दल की इस रैली में मैं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। समाजवादी पार्टी के लोग उसमें अतिथि हैं, लेकिन जो भी घटनाएं हुई, महान दल के जिन पदाधिकारियों ने गलती की उनको मैंने दंडित किया, और महान दल के जो भी पदाधिकारियों ने गलती किया उन्हें मैंने यहाँ से हटा दिया। लेकिन महान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को ये कतई शोभा नहीं देता था कि वो महान दल के प्रदेश महासचिव को डांट लगाए, आँख दिखाए, और वो मुझसे अगर मैं ना होता कुछ भी कर लेते ठीक था। लेकिन जब मैं अखिलेश यादव से करेंगे कोई शिकायत नहीं, क्यों माननीय अखिलेश यादव जी से अपमान की बात करते हैं? नहीं, कोई अपमान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।